हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यहाँ पर शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड यहाँ पर होने वाली है कि आखिर 2024 तक जो आपकी शिक्षक भर्ती की अगर यहाँ पर बात करेंगे, क्या शिक्षक भर्ती आएगी भी या फिर नहीं। दोस्तों, इस टॉपिक पे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ आर्टिकल भी यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कि शिक्षक भर्ती 2024 में आना तय है या फिर नहीं है। यूपी टेट स्टेट भी आएगा या फिर नहीं आएगा। शिक्षा चयन आयोग जो है, जो अभी 3 महीने बीत चुके हैं, 4th महीना लग चुका है और अभी तक शिक्षा चयन आयोग जो है वो नहीं बनवाया है, वो कब तक बनेगा, क्या चीजें हैं। बाकी शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी तेज हो रही उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन या नया नोटिस या नया आर्टिकल जो है वो देखने को मिलता है। साथ में दोस्तों, आपकी बैठक जो है, मुख्यमंत्री की बैठक भी जो हुई थी, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें निकल गई, सारी चीज बात करेंगे। और तैयार हो जाना है आप सभी को, क्योंकि शिक्षक भर्ती आना तय है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, आप लोग यहाँ पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक एनी न्यूज हिंदी न्यूज की तरफ से देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी शिक्षक चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की है और यह आयोग बेसिक माध्यमिक और उच्च प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का चयन करेगा और अशासकीय सहायता प्राप्त जो मदरसे हैं वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नवीन आयोग से ही होगी शिक्षक भर्ती। बाकी नया आयोग ही टेट की परीक्षा, जो यूपी टेट आपका ही होता है उत्तर प्रदेश में, ये करवाएगा। यहाँ पर एक नोटिस आप देख सकते हो, जो कि आपकी नोटिस ये 4/4/2023 को जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में, यानी दोस्तों इनका अगर पदोन्नत कर दिया जाएगा तो उसके बाद हमारे पास जो सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी। ये चीज तो आपको पता है ना, सीटें जब खाली हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये पीछे सीटें जो पदोन्नत किया जा रहा है और उसके बाद कहीं ना कहीं सीटें जो हैं वो खाली तो हैं ही हैं पहले से, आपको पता है कितनी ज्यादा सीटें खाली हैं उत्तर प्रदेश में, बाकी और सीटें जो खाली की जा रही हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके यहाँ बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। दूसरा, यहाँ पर एक और आर्टिकल जारी किया गया है, इसमें बताया गया है यहाँ पर कि शासन ने सभी आयोगों और चयन बोर्ड को भेजा पत्र और भर्ती को लेकर मिशन मोड पर आई प्रदेश सरकार। बाकी सभी आयोग व चयन बोर्ड बताए कि मार्च 2024 तक कितनी भर्तियां करेंगे, यानी इनके पास कितने पद खाली हैं। और आपको पता है पद जितने भी खाली होते हैं उनके 10% पद जो है वो सृजित करके रखे जाते हैं, बाकी के पदों पर भर्तियां कराएगा सभी जो जो चयन आयोग है ये कराएगा। बाकी प्रयागराज में मांगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय। तो यहाँ पर शासन ने सभी आयोगों और चयन बोर्ड को भेजा पत्र, भर्ती को लेकर जो है मिशन मोड पर है। और बाकी यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि आपके भर्ती से रिलेटेड, तो भर्ती आना जो है वो आपकी अब तय हो चुकी है, ठीक है, भर्ती आना बिल्कुल भी तय है। और ये कब देखने को मिलती है, 2024, जी हाँ, 2024 से पहले पहले जो है वो आपकी भर्ती, एक बड़ी भर्ती, जी हाँ, एक बड़ी भर्ती जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी यूपी टेट की बात करते हैं, जैसे ही आपका शिक्षा चयन आयोग जो है वो गठित हो जाता है उसके बाद आपका यूपी टेट देखने को मिलेगा। यूपी टेट के एग्जाम के बाद फिर आपका एसटेट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बाकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए और तैयारी को और अच्छा बनाइए आप लोग, क्योंकि भर्ती तो आएगी ही आएगी, क्योंकि यही उनके पास, क्योंकि आपको पता है बेरोजगार और युवा जो है एक सबसे ज्यादा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि भर्तियां जो होती है वो आपको पता है शिक्षक भर्ती होती है, पिछले 5 सालों से भर्ती जो है वो देखने को नहीं मिलती है और इसमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी जो है वो मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन भी है तो वो नहीं चाहेगी कि हमसे युवा नाराज हो और मतलब हमारा वोट बैंक जो है वो खतरे में जाए, तो इस तरीके से क्या करेगा वो, शिक्षक भर्ती जरूर करेगा, ठीक है, एक बड़ी भर्ती, क्योंकि पिछले 5 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी भर्ती का। तो कहीं ना कहीं आपकी बात 2024 वाले चुनाव में जो है ये चीज आपको देखने को मिल सकती है और डेफिनेटली देखने को भी मिलेगी, ठीक है। तो बस तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए, बाकी बैठक वगैरह हो रही है, ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी नोटिस वगैरह ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, आप लोग वहां से जाकर के आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आता है कि यूपी टेट कब तक होगा। तो यूपी टेट जैसे ही आपका शिक्षा चयन आयोग जो है, हो सकता है इसी अप्रैल के लास्ट तक जो है, जैसे कि पहले से ही पता चल रहा था कि अप्रैल में शिक्षा चयन आयोग का जो गठन है वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर गठन हो जाता है उसके बाद तुरंत बाद आपको यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इंतजार खत्म हो रहा है आपका और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।